हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोलो रैंक पुशिंग। तो आज सीजन का पहला दिन है और आई होप आप सबने रैंक पुशिंग भी स्टार्ट कर दी होगी। तो बात की जाए गेम प्ले की, तो आपने देखा ये प्लेन पे मेरा नाम भी आया हुआ है, और अगर आप मैं आपकी किसी के भी मैच में अगर आ जाता हूँ तो आप चाहो तो मेरे से टीम अप भी कर सकते हो। तो बात की जाए गेम प्ले की, तो गेम प्ले तो मतलब क्या ही हार्ड होने वाला है, बस देखते चलो आप। अभी मतलब सीजन नया आया हुआ है, तो मतलब आज जो मतलब मैं गेम प्ले है वो तो मतलब स्टार्टिंग में तो उतने बोट आते ही रहते हैं, हमें जानती हैं उतने अच्छे प्लेयर नहीं आते हैं। तो किल्स तो अच्छे खासे निकलने वाले हैं और हाई किल्स के साथ प्लस भी निकलने वाला है, बस अब देखते जाइए। तो तुम्हारा भाई यहाँ सीधा इवेंट उतरता है जो जॉम्बी मोड आया हुआ है, मतलब क्या ही मतलब इवेंट आया ना, इसमें किल्स क्या ही निकलते हैं, मतलब अब बस देखते चाहिए कैसे किल्स निकालता हूँ। तो अभी स्टार्टिंग में तो मैं जी यहाँ लगा बहुत सारे बंदे आएंगे यहाँ पे और शायद यहाँ किल्स निकले, बट यहाँ पे किल्स तो निकलने ही वाले हैं, बस अब देखते चलो। और प्लस भी अच्छा खासा होगा, और यहाँ पे सोलो रैंक पुश के रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में ज़रूर बता देना और अपनी रैंक भी बता देना, ठीक है, जिसके रिलेटेड मैं वीडियो ला सकूँ। तो अब मैं यहाँ पे जैसे ही उतरता हूँ मुझे यहाँ DPA शॉटगन मिल जाती है, मेरे लेफ्ट में एक बंदा उतरा था, और यहाँ पे जैसे ही मैं आता हूँ मुझे UMP मिल जाती है। अब मैं जैसे ही दुकान लेता हूँ मैं सोचता हूँ बंदे बंदे पर बंदे थे, यहाँ कोई नज़र आ ही नहीं रहा था। यहाँ मतलब कम से कम मतलब शायद 12 से या 15 ही बंदे उतरे होंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी नया सीज़न आया है तो उतने अभी अच्छे प्लेयर नहीं आ रहे थे। हाँ, बहुत ज़्यादा आ रहे थे, प्लेयर्स कम आ रहे थे, बट जो भी आ रहे थे क्या ही बंदे थे, मतलब ख़तरनाक से बंदे, मतलब दिखते ही गिरा देने वाले बंदे आ रहे थे, मतलब क्या ही हार्ड बंदे आ रहे थे। बस अब देखते चलो, इन बंदों की ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी मैंने, अब बस बोट की तारीफ़ करते चलो। मतलब देखो एक बोट दिखा मुझे यहाँ सामने जिसको मैंने मार दिया, बट इसका नाम पढ़ा होगा आपने, जैसे रियल बंदे का नाम होता है वैसे नाम था, बट ये बोट था, मैंने इसको फिनिश कर दिया। अब मैं जैसे ही इसको फिनिश करता हूँ मैं आगे की ओर चलता हूँ यहाँ बंदे मारने, क्योंकि मुझे किल्स अच्छे खासे निकालने थे। और इसमें एक हैकर भी आया था जादूगर नाम का, जो मतलब क्या ही लॉबी खाली कर देता है, जिसकी वजह से मेरा अच्छा खासा प्लस नहीं होता है। हाँ गाइस, हमने सही कहा, नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादा क्या होता है जब हैकर आता है जिस लॉबी में ना, उसमें आपका प्लस बड़ा कम ही होता है, क्योंकि वो लॉबी खाली कर देता है जिसकी वजह से आपका प्लस कम हो जाता है, और क्योंकि आप सर्वाइव उतना होता नहीं है तो इसलिए प्लस उतना नहीं मिलता है। तो यहाँ पे क्या सीन होता है अब देखते चलो। यहाँ मैं जैसे ही ऊपर आता हूँ हम यहाँ बंदे देखता रहता हूँ, यहाँ लेफ्ट साइड फाइट होती रहती है, बट कोई बंदा दिखता तो है नहीं, यहाँ पीछे साइड एक बोट आ जाता है। अब मैं जैसे इस बोट को मारने आता हूँ, अब देखते चलो यहाँ एक पे एक बोट फ्री मिल जाता है, मतलब देख रहे हो क्या ही यहाँ पर ऑफर चल रहा है। अब जैसे ही इस बोट को मारता हूँ दूसरा बोट भी आता है, तो उसको ही फिनिश कर देता हूँ मैं। अब जैसे फिनिश करने वापस मैं आगे साइड यहाँ पर ऊपर आता हूँ, अब मैं जैसे ही यहाँ पे आया, अब देखते चलो यहाँ लेफ्ट में फाइट होती रहती है, मुझे एक बंदा स्पॉट होता है ऊपर लेटा हुआ, तो मैं उसको फिनिश कर देता हूँ। अब जैसे ही फिनिश करता हूँ सामने से मुझे फुटस्टेप आता है, मैं सीधा यहाँ रश कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे हल्के से फुटस्टेप आया और मैं पता चल गया बंदा आगे साइड है, तो मैं यहाँ पर अंदर आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ी देर वेट करता हूँ, सीधी सी बात अब इसको कैंपिंग बोलो या होल्ड बोलो कि बंदा होल्ड करके खेल रहा है, अब मतलब सीधी सी बात है ऐसे बंदे से फायर लेने में तो मतलब बंदे की हालत ख़राब हो जाती है, मतलब मरने के चांस ज़्यादा ही रहते हैं, फिर भी मैं यहाँ पे चांस लेता हूँ। जैसे ही बंदा करने के लिए खेलता मैं उस पर जंप करके फिनिश कर देता हूँ। तो अब देख सकते हो मैं उसके बाद ना यहाँ पर चला आता हूँ। अब कई बार ये तो क्या होता है, मतलब जैसे आप लैंडिंग करते हो तो वहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा गाड़ी के पास लैंडिंग कर चुका होता है, एक दो बंदे जो भी मतलब वहाँ पे उतरते हैं। अब तो तुम्हारा भाई भी यहाँ जैसे ही उतरता तो एक बंदा यहाँ पे मुझे ड्राइवर मिल जाता है, तो मैं आराम से गाड़ी बैठ जाता हूँ, मैं इसको चलाने का काम दे देता हूँ, तो ये बंदा यहाँ पर गाड़ी चलाता रहता है। अब मैं इसको कहता हूँ कि गाड़ी भाई मुझे गाड़ी के पास उतार दे, बट इसका मन तो कुछ और ही था, शायद मुझे मारना चाहता था, इसने अलग ही प्लान बना के रखा था। बट यहाँ पे इसके साथ क्या ही कल सीन होता है बस देखते चलो। यहाँ पे क्या होता है, बग्गी यहाँ पलट जाती है, अब जैसे ही बग्गी पलटती है बंदा उतर जाता है, तो मैं सोचता हूँ ड्राइव कर लेता हूँ, बट पता नहीं क्या सीन हो रहा है, ड्राइव ही नहीं हो रहा था। यहाँ पे दो तीन बार क्लिक किया और इस बंदे का नेट शायद खराब था, पता नहीं क्या, मैं सोचा था इसको मार देता हूँ, जब मैं इधर मार रहा हूँ उधर जा रहा, गायब हो जा रहा, मतलब क्या ही सीन चल रहा था। उसके बाद तो ये बंदा विक्टर के रूप में भाग ही गया, और इसके बाद फिर मैं यहाँ पर घरों के साइड जाता हूँ, मैं भी भाग जाता हूँ, ऐसा ना बंदा चला शेख में घुस जाए और गन लेके आ मेरी पेटी बना जाए। तो मैं यहाँ पर सीधा निकल लेता हूँ वहाँ से, और मैं गन लूटने के बाद इस साइड आता हूँ जिस साइड वो बंदा आया था, तो मुझे यहाँ पे बंदा दिखता है, बट बंदा नहीं बोट होता है, तो मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। पर मुझे पता था वो बंदा इसी साइड आया था, अगर गाड़ी ना मिली होगी तो बंदा इधर ही आसपास होना चाहिए, तो मैं इतनी बग्गी घुमाता रहता हूँ कहीं ऐसा ना हो कि बंदा बैठा ही हो और मुझे पेटी बना दे। अब जैसे ही मैं मतलब उतरता हूँ इस पेटी लूटने के लिए बोट की, अब देखो मुझे राइट से फुटस्टेप आया और ये वही बंदा था,
इसको मतलब मैंने जो मतलब इसने मुझे यहाँ इतना दूर तक लिफ्ट दिया, तो मैंने जो इसका मतलब कुछ तो खर्चा पानी देना ही चाहिए था, तो मैंने उसको दे दिया। मैं जैसे ही उसको मारने के बाद यहाँ पे आता हूँ इवेंट साइट। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट राइट हर जगह फुटस्टेप आने लग जाता है। यहाँ पे तो एक बंदा मेरी बग्गी टायर ही फाड़ देता है और मेरी बग्गी घूम जाती है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर उतरना पड़ जाता है। अब देखो यहाँ सामने वाला बंदा मुझे मॉली ग्रेनेड करना स्टार्ट कर देता है। अब मैं भी सोचता हूँ मेरे पे कोई थ्रोएबल था नहीं, बट मुझे एक ग्रेनेड मिलता है। अब मैं जैसे ही यहाँ पर ग्रेनेड कुक करता हूँ, एक ग्रेनेड आता है, मुझे लगा ख़त्म मेरी पेटी बनी, बट पता नहीं कैसे मैं 1 HP बच जाता हूँ। और जल्दबाजी में मेरा भी ग्रेनेड मैं यहीं पर मार देता हूँ, बट मैं यहाँ पर 1 HP बचता हूँ। बंदा मेरे पे सीधा रश कर देता है। अब जैसे ही मुझे रश करता है, बट राइट वाला जो बंदा था उसको मारने लग जाता है, तो डैमेज होता है, तो मेरे पे रश नहीं करता, तो लेफ्ट साइड भागने लग जाता है। और मैं जैसे ही हिल मेरा कंप्लीट होता है, अब मैं इसको देखता हूँ, मुझे पता था अच्छा खासा डैमेज है, तो जैसे ही भागता मैं उसको मार के चॉकलेट का चॉकलेट बना देता हूँ। मतलब क्या ही चॉकलेट बना खाता हूँ, बट यहाँ पीछे से बंदा मुझे डैमेज पा के मेरे पे रश कर देता है, मुझे फिनिश कर देता है। अब मैं जैसे ही वहाँ पर रिकॉल होकर उतरता हूँ, अब मैं गाड़ी लेके जाते ही रहता हूँ अब जोन में, तो मैं लास्ट तक यहाँ सर्वाइव करता हूँ। पर जब यहाँ पे डेड जोन स्टार्ट होता है, तो मैं जोन में जाने लग जाता हूँ, बट पीछे से मतलब क्या ही एक बंदा आता है, बस देखते चलो यहाँ पे क्या ही सीन होता है। मतलब देखा वो बंदा उतरा बग्गी से, मतलब मैं यहाँ उतर के ऑलरेडी उसको मारने के लिए तैयार था, एम भी पूरा रखा, बट उतरती एम फोर्स कैसे भरा, मुझे तो लगा उसने पक्का कन्फिग लगाया था। तो आज की वीडियो में